ये रेशमी जुल्फे ये शर्वती आंखे इन्हें देख कर जी रहे हैं सभी, इन्हें देख कर जी रहे हैं सभी। ये रेशमी जुल्फे ये शर्वती आंखे इन्हें देख कर जी रहे हैं सभी, इन्हें देख कर जी रहे हैं सभी। सर अपना नाम दस्यो कीजिएगा। सबसे पहले आप अपना नाम बताइए। मेरा नाम मोहम्मद नशीम अख्तर हुआ, मैं किशनगंज बिहार के रहने वाले हूँ। और आज जो ये गीत आप सुना रहे हो, किस जगह पर बैठे हो, थोड़ा सा यहाँ की जगह बताइए, क्या कारोबार है आपका? ये चंडीगढ़ जीरकपुर है, चंडीगढ़ बॉर्डर के पास एक जेके होटल है जिसको मैंने लीज पर लिया है अभी। जी तो आप गायकी भी साथ साथ में कर रहे हो, अभी रफ़ी साहब के आपने गीत सुनाए हैं, तो कैसा, मतलब कि क्या आपका शौक है या आगे भी इसको लेके जाना चाहते हो आप? आगे अगर दर्शकों को, अगर मेरा अगर गीत अगर अच्छा लगा, अगर आगे से अगर हमको कोई ऑफर अगर आया तो मैं आगे भी मतलब इसको जी जाना चाहते। तो यहाँ पर भी तो कस्टमर आते होंगे, तो जब आप गुनगुनाते हो तो वो कहते होंगे भाई यार अख्तर भाई साहब क्या गीत सुनाते हो आप, तो वो ऐसे कहते होंगे फरमाइश सुना दीजिए, तो आप सुनाते हो? कस्टमर तो नहीं, मेरे एक दोस्त हैं फिरोज भाई। अच्छा। वो ऐसे ही हम लोग एक दिन गाड़ी पे जा रहे थे चंडीगढ़, तो दोस्त बोले कि दोस्त एक गाना सुनाइए, तो वही गुनगुना रहे थे तो गाना उनको सुनाए, तो रिकॉर्ड भी कर लिए थे गाना मेरा, तो वही उसी दिन से वो हमको मेरा गाना सुन के बोले नहीं दोस्त हम लोग मतलब आपको कुछ ऊंचा मकाम तक पहुंचाना चाहते हैं, तो उनको लगा कि उनको लगा कि मेरा आवाज़ में कुछ है। खुद को लगता है, हाँ, आपको लगता है कि आप रफ़ी साहब के जो गीत गा रहे थे, आपको लगता है कि यार मैं बिल्कुल वैसे गा रहा था या उनकी कॉपी करने की कोशिश कर रहा था? कोशिश कर रहा हूँ, अब वो तो पब्लिक ही बताएंगे कि मेरी आवाज़ में कितनी है। ये शौक कब से पैदा हुआ आपको? ये शौक बहुत दिन से है, बचपन ही से समझिए, लेकिन कभी ऐसा मौका नहीं मिला था, ऐसे ही घर में गुनगुना लेते थे, दुकान में बैठ के गुनगुना लेते थे, अपने यार दोस्तों के साथ हंसी मजाक में कभी कर लेते थे, यार आज फलाना गाना सुनाओ, आज ये सुनाओ। और कभी कभी हमारे बहादुरगंज में कुछ प्रोग्राम वगैरह भी होते थे पढ़ाई के लाइफ में टाइम में, तो उसमें भी जो दोस्त हमारे जान रहे थे कि नसीम भाई का गला बहुत अच्छा है, तो लोग कभी कभी स्टेज पे भी खड़ा कर देते थे हमको गाने होने के लिए। अच्छा। लेकिन बहुत दिन से इसको मतलब छोड़ दिए थे, अब यहाँ फिरोज भाई के इससे थोड़ा दिल में। तो अपने दोस्त, आप जो फिरोज की बात कर रहे हो, जब आप गाड़ी में सफ़र कर रहे थे तो चंडीगढ़ शहर भी आप देख रहे थे साथ साथ में, तो मौसम भी ऐसा रहा होगा शायद, तभी आपके दोस्त ने फरमाइश की होगी कि मुन्ना जी को सुनाइए, और उनको भी लगता रहा कि आपके पास कि अख्तर भाई जी कुछ गाते होंगे, तभी तो कहा जाता है, उनको लगा था कि आप कुछ गाते हो। तो कौन सा गीत सुनाया था आपने उनको, वो सुनाओगे थोड़ा दर्शकों को? हाँ थोड़ा सा जी। ओ खिलौना जान कर तुम तो मेरा दिल तोड़ जाते हो, खिलौना जान कर तुम तो मेरा दिल तोड़ जाते हो, ओ मुझे से हाल में किसके सहारे छोड़ जाते हो, गिला तुमसे नहीं कोई मगर अफसोस थोड़ा है कि जिस गम ने मेरा दामन
बड़ी मुश्किल से छोड़ा है, उसी गम से मेरा प्यार जी रिश्ता जोड़ जाते हो। ओ खिलौना जान कर तुम तो मेरा दिल तोड़ जाते हो। किससे प्रभावित हो, कौन आपको सबसे अच्छे सिंगर लगते हैं? अच्छे तो रफ़ी जी ही लगते हैं मुझे, कभी कभी किशोर के भी गुनगुना लेते हैं, कभी मुकेश जी का भी गुनगुना लेते हैं। मतलब तो नसीम जी आपको शौक कैसे पैदा हुआ, कि कब आपको लगा कि मैं कैसे शौक आ गया एकदम से, ये आपकी लाइन कुछ और है? नहीं, ये शौक तो मुझे पहले से है, मतलब पढ़ाई के टाइम से ही। किसी को गुनगुनाते देखा या किससे इंस्पायर हुए, वो थोड़ा सा बताओ। प्रेरणा हमको गाना का शौक बहुत था, हम गाना बहुत सुनते थे अपने रूम में, हम डैग उग सब लगा के रखे थे, जब भी मतलब कोई भी कहीं से आते थे तो गाना लगा देते थे सुनते थे, काम भी करते थे तो गाना लगा देते थे सुनते थे। और स्कूल लाइफ में तो टीचर लोगों को भी मालूम था कि नसीम बाबू का गला अच्छा है, तो उठो गाना सुनाओ नसीम बाबू कुछ बढ़िया सा, तो सुना देते थे। परिवार में कौन कौन है? परिवार में मेरी वाइफ है, मेरी चार बेटी है, एक बाबू हुआ है अभी 13-14 महीना हुआ, चार बेटी के बाद। बड़ी वाली बेटी को हम अभी 2 महीना पहले कोटा में एडमिशन कराए हैं मेडिकल की तैयारी के लिए। तो उनका सहयोग कैसा रहता है आपके गाने गानों? नहीं, बहुत अच्छा। बच्ची लोग तो हमको कभी कभी बोलते पापा एक गाना सुनाइए, पापा एक गाना सुनाइए, करते रहते हैं। घर में भी हम लोग मतलब करते हैं ऐसा। तो गाने के ऐसा माध्यम है, थकान उतर जाती है, तो बच्चे जब घर जाते हो कहेंगे पापा सुनाओगे? हाँ, वैसे बैठे हैं, पापा एक गाना सुना दीजिए, सुना देते हैं, गुनगुना देते हैं। तो जैसे ये मतलब कि जो आप गीत सुना रहे हो ये पुराने हैं, और सिंगर का जो नाम ले रहे हो ये काफ़ी पुराने हैं जी, तो जो आज का ट्रेंड चल रहा है, जैसे आज की जनरेशन जो है वो आजकल बहुत भड़कीले टाइप के गीत सुनती है, रोमांटिक गीत सुनती है, ठीक है, तो आपको क्या लगता है कि यार कितना फ़र्क है, तो आज के यूथ को अगर आपके साथ जोड़ना हो या अपने साथ जोड़ना चाहो कैसे जोड़ोगे? नहीं, अभी तो देख रहे हैं कि लड़का सब भी इस सब गाना को ज़्यादा पसंद करता है, लेकिन इसको मतलब म्यूजिक व्यूजिक को थोड़ा चेंज करके इसी गाना को भी अभी चला रहे हैं कहीं। पुरानी चीज़ को ही परोसी जा रही है। अच्छा, चीज़ वही है। हाँ, इनके जो अल्फाज जो है ना पुराने गानों के, तो मतलब अच्छे लगते हैं सुनने में, इनका जो बोल होता है ये सुनने में अच्छा लगता है, इसलिए लोग अभी नए ट्रेंड में भी मतलब पुराने गाने को ये करके मिक्स करके। अगर कभी मौका मिले आपको कि यहाँ प्रोफेशन में आने का, इसमें वो भी आप होटल लाइन से हो तो ये छोड़ के भी प्रोफेशनली चलोगे, कहीं मौका मिल जाए? नहीं, मौका मिले अगर ऊपर वाला चाहा, अगर अल्लाह ने चाहा तो ज़रूर मतलब आगे बढ़ेंगे, और आगे बढ़ना भी चाहिए इंसान को। अब अगर हमको अगर अब ऐसा मौका मिला है तो हम भी चाह रहे हैं कि भाई हम भी कुछ करें आगे। आखिरी सवाल है आपसे कि हमारे चैनल पर आप ये गीत सुना रहे हो, इंटरव्यू दे रहे हो, जो लोग इसको देख रहे हैं, आपकी आवाज़ को सुन रहे हैं, आपको देख रहे हैं, आप उनको क्या संदेश देना चाहोगे, क्या कहना चाहोगे अपनी तरफ से? जैसे मुझे जो जानते हैं, मेरी आवाज़ को जो जानते हैं कि नहीं नसीम भाई का गला अच्छा है, वो तो अभी हमें बहुत मिस भी कर रहे हैं, और ये भी सोच रहे होंगे कि कब आए फेसबुक वगैरह में या व्हाट्सएप वगैरह में, तो फिर इसको हम लोग। तो बाकी लोग जो आपको नहीं जानते, आपसे आपको देखेंगे वो, तो उनको क्या कहना चाहोगे कि क्या वो आपको ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और आपके ऊपर कमेंट भी करें? जी जी, क्योंकि किसी को सही बताना या गलत करना, आलोचना जी जी, मेरा गला कैसा है, मैं कैसा गाया, आप लोगों को कैसा पसंद आया मेरा गाना, अगर आप लोगों को अगर मेरा गाना अगर अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर और कमेंट ज़रूर करें। भाई जी, आपका नाम क्या है? मेरा नाम फिरोज़ खान है सर। सर, नसीब जी आपके दोस्त हैं, क्या कहना चाहोगे? आप भी साथ बैठे थे, गाना गाते हैं, क्या क्या कहना चाहोगे इनके बारे में? क्या कहना चाहोगे? मेरे दोस्त के, जब मैंने उनकी आवाज़ सुनी तो मुझे लगा नहीं इसके अंदर टैलेंट भरा हुआ है, और ये टैलेंट
मैंने कोशिश किया कि मैं इनकी टैलेंट को पब्लिक के सामने और दुनिया के सामने लाना, अच्छा सोचा मैंने। तो क्या उम्मीद करते हो सर, कैसी दुआ देना चाहूँगे भाई को? भाई को मैं दुआ दिल से देना चाहता हूँ कि इनकी गाना पब्लिक को पसंद आए और ज़्यादा से ज़्यादा लोग इनको कमेंट करके और सही मकाम तक ये पहुँचे, हमारी हमेशा यही दुआ रहेगा। तो जैसे इन फ्यूचर में कल को मान लीजिए बहुत सारे प्लेटफॉर्म मिलते हैं, कई मेले लगते हैं, कुछ और ऐसे स्टेज मिलती है जहाँ फ्री ऑफ माइंड नाल कोई भी जाके गा सकता है जी, कभी ऐसा मौका मिला तो आप नसीम अख्तर भाई को खड़ा करोगे वहाँ? जी जी बिल्कुल खड़ा करेंगे। अंदर का वो चीज़ निकले? जी बिल्कुल बिल्कुल खड़ा करेंगे सर। धीरे धीरे इनकी पर्सनैलिटी आ जाए। जी जी, हर तरह का सहयोग रहेगा, तन मन धन। जी जी, तन मन धन हर चीज़ का सहयोग कर रहा हूँ और करता रहूँगा। तेरे चेहरे में वो जादू है, तेरे चेहरे में वो जादू है, बिन डोर खींचा जाता हूँ, जाना होता है और कहीं तेरी ओर चला जाता हूँ, तेरी ओर चला आता हूँ, तेरे चेहरे में वो जादू है।